नमस्कार, मैं नरेश सिंगल, वास्तु कंसल्टेंट। आज हम चर्चा करेंगे एंट्रेंस के ऊपर, यानी द्वार, यानी मुख्य द्वार। व्यक्ति अपना घर ले या किराए का ले या बनाए या बने बनाए फ्लैट में या अपार्टमेंट में जाए, वो एक सबसे पहले वास्तु के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज ना भी रखता हो, बट उसके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि मेरे घर का मुख्य द्वार कौन सी दिशा में है। वो जो दिशा है, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल दो दिशाएं ऐसी हैं जिनमें थोड़ा सा हमें अवॉइड कर सकते हैं। नंबर वन साउथ वेस्ट, नंबर टू साउथ ईस्ट। ऐसा नहीं है कि उसको भी 100% अवॉइड करें, उसमें भी यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दिखाना पड़ता है उसको, यदि वो सही है तो वो भी कई बार चलता है। अदरवाइज जो मुख्य जो हम बात करते हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, ये हम सभी लोग जानते हैं कि तीन डायरेक्शंस अच्छी हैं। नॉर्मली ये सभी के लिए ठीक है। अब इसके लिए बताता हूँ कि नॉर्थ डायरेक्शन का यदि दरवाज़ा है तो ऐसे घर में पैसा, नॉर्थ किसका जोन है, कुबेर का, लक्ष्मी का, यदि वहाँ पर अगर एंट्रेंस है तो ये बात लगभग तय हो जाती है कि ऐसे घर में पैसा तो कम से कम निरंतर आता ही रहेगा। कम आए ज़्यादा आए वो उसके भाग्य स्थिति और उसके कर्मों पर आधारित है। अब आते हैं ईस्ट की बात कर लेते हैं। ईस्ट का जो दरवाज़ा है वो नेम एंड फेम के लिए, मान सम्मान के लिए और स्वास्थ्य को देने वाला ईस्ट का जो दरवाज़ा होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में दोनों चीज़ें हैं, यानी कुछ पैसा और कुछ नेम एंड फेम। तो सबसे बढ़िया जो डायरेक्शन बोली जाती है वो नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस जो है सबसे बढ़िया होती है। अब नॉर्थ वेस्ट की भी बात करते हैं। नॉर्थ वेस्ट का एंट्रेंस जो है वो अपॉर्चुनिटी के लिए, सुअवसर के लिए, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, विदेश से पैसा कमाना, विदेशी धन, विदेशी करेंसी, विदेशी भाषा या विदेश जाने से। इसी तरीके से अब इसके साथ दूसरी डायरेक्शन आ जाती है वेस्ट। वेस्ट जो है जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, या महिलाओं के नाम पे यदि घर है तो उसके लिए पश्चिम मुखी दरवाज़ा भी बहुत बढ़िया माना जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट की जो एंट्रेंस है वो थोड़ा सा स्ट्रगल देने वाली रहती है, थोड़ा सा संघर्ष वाली रहती है। लेकिन यदि कोई अधिकारी है या कोयले का काम करता है या लोहे का काम करता है, उनके लिए भी ये अच्छा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण की, यानी साउथ की। यदि कोई वकील है, यानी एडवोकेट है, लॉयर है, मजिस्ट्रेट है या किसी ऐसी पावर वाली पोस्ट पे है, या कोई दंडाधिकारी जिसको हम बोलते हैं, ऐसा कुछ है तो उसके लिए दक्षिण दिशा भी ठीक है। अब अधिकारियों के अलावा या गवर्नमेंट सर्विसेज के अलावा की हम बात करें, यहाँ पे भी वही बात आती है। यदि कोयले का काम है, डायमंड का काम है, यानी ज़मीन से जो निकलने की जो चीज़ें हैं, यदि उसका वो काम करता है तो उसके लिए भी वो सब चीज़ें बढ़िया मानी जाती है। केमिकल का काम है, मेडिसिन का काम है, या दवाई बनाने का काम है, या गोल्ड का भी काम है। गोल्ड के लिए दूसरी डायरेक्शन भी ठीक रहती है। साउथ का मतलब ये है कि वहाँ से गोल्ड निकलना, ज़मीन से निकलना, यदि गोल्ड का भी जो काम है वो भी उस दिशा के लिए भी दक्षिण मुखी जो दरवाज़ा है वो ठीक रहता है। अब बच गया साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो है बहुत कम लोगों को, यानी आप मान के चलिए कि 1000 में से किसी एक के लिए ही सूटेबल होता है, अदरवाइज वहाँ पर भी प्रॉब्लम रहती है। तो मैं शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा कि हमारे को साउथ वेस्ट का जो एंट्रेंस है उसको एटलीस्ट अवॉइड कर देना चाहिए हर हाल में। यदि आपने किसी कारण से वो ले ही लिया है तो उसके लिए आपको किसी कुशल वास्तु विशेषज्ञ को मिल बुलाना जरूरी है।